पाठशाला में आपका स्वागत है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जिंदा है और जिंदगी के नाक में दम करो। दम अपने माता पिता के सपना के लिए, दम अपने सपने के लिए और भावी पीढ़ी के लिए। चलिए यहाँ वापस आते हैं। क्लास 8 प्रश्नावली 9.2 प्रश्न संख्या 19। आप हम लोग पहुंच गए हैं टैक्स से संबंधित बातें वाले में। जैसे किसी वस्तु पर जो टैक्स लगता है, जैसे आजकल लगता है जीएसटी लगता है, पहले वेट लगता था, उस वेट के जगह पर आजकल जीएसटी या सीएसटी लगता है, तो उसी से संबंधित कुछ बातें हम लोग सॉल्व करेंगे। बोला कि दुर्योधन ने एक वस्तु 4% बिक्री कर सही 208 रुपये में खरीदा। तो चलिए खरीदा मतलब समझ आइए कि क्या समझेंगे, उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है और कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य समझते हैं, जैसे कोई वस्तु आप खरीदने जाते हैं, मान लीजिए मार्कर आप खरीदे, तो उस मार्कर में देखिएगा प्रिंट रहता है MRP जिसको हम लोग बोलते हैं, वही होता है अंकित मूल्य। वो अंकित मूल्य कितना था कर से पहले, ये हम लोग को निकालना है। तो शुरू करते हैं अंकित मूल्य से। माना कि अंकित मूल्य बराबर ₹1, ये x कर दीजिए। अब अंकित मूल्य आ गया भाई। फिर हमारा दूसरा क्या है, वस्तु पर कर है, जिसको लोग बिक्री कर भी कर सकते हैं या कर कर सकते हैं। कर कितना है या ये 4% है कर, बिक्री कर 4%। और फिर विक्रय मूल्य की चर्चा है, विक्रय मूल्य मतलब 208 रुपये उसको बेच देता है। तो माना कि अंकित मूल्य बराबर x हो गया, कर या बिक्री कर कर देते हैं, बिक्री कर सेल टैक्स कितना 4%, विक्रय मूल्य 208 रुपये। चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्नानुसार बोला है कि चूंकि विक्रय मूल्य जो है वह अंकित मूल्य प्लस उसमें टैक्स भी इंक्लूड होता है, किसका टैक्स किसका होता है, तो वह होता है अंकित मूल्य का 4%, अंकित मूल्य का 4%। तो विक्रय मूल्य कितना भाई, तो विक्रय मूल्य हमारा 208 रुपया, या रुपया छूट गया लगा दीजिएगा, और विक्रय मूल्य कितना 208 रुपया। अंकित मूल्य कितना माना, x माना, अंकित मूल्य का 4%, अंकित मूल्य कितना भाई, अंकित मूल्य हमारा x आ गया, ये अंकित मूल्य क्या, इसका 4% का मतलब होता है गुना, 4% मतलब 4/100, ये आ गया। अब यहां से अगर हम लोग चाहें तो इसको दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो भी कुछ 208 तो कुछ हो नहीं सकता है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यह x प्लस x और 4 के बीच में गुना का संबंध है, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4x/100 आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये और ये अगर इसके नीचे 1 लगा दे तो ये हो गया हमारा बीन का जोड़। चलिए सॉल्व करते हैं, और ये और लिखा रहता है OR, कंफ्यूजन ना करेंगे आप लोग कि क्या लिख देते सर पता नहीं चलता है, और लिखा रहता है। अगर या लिखने वाले तो या लिख लीजिएगा, 208 यहाँ 100 और 1 का एलसीएम आया 100, अब 1 का 100 से गुना होगा कितना हो जाएगा 100x, ये तो भाई सेम रहेगा 4x। तो चलिए इसको ऊपर थोड़ा मिटा देते हैं। अब क्या आया, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहले और लिख लीजिए, 208 रुपया जो था लिख लीजिए, यहाँ आ गया 100 और 4, 104x/100 हो गया 100, ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो कितना आएगा 208 × 100 = 104x। अब ऐसी स्थिति में आप देख रहे होंगे कि इन दोनों को गुना करेंगे तो 208 आया,
प्लस 104 है। इसको अपनी सुविधा के अनुसार पलट दीजिए, उधर वाला को इधर 100 नहीं होगा, यहाँ पर 20800, ये 104 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए x बराबर 20800 बाय 104 से अब इसको भागा दीजिए, तो 20 को 20,800 का तो भागा देंगे तो यहाँ आएगा 200, तो x का वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया, x का वैल्यू 200 अर्थात 200 रुपया। x का वैल्यू क्या था, तो हमारा वस्तु का मूल्य था या अंकित मूल्य था, तो पूछा क्या था कि कर से पहले उस वस्तु का मूल्य, यहां लिख दीजिए अतः कर से पहले वस्तु का मूल्य बराबर कितना 200 रुपया। टैक्स जुड़ गया भाई, टैक्स जुड़ता है इसलिए बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी मेरे लिए छोटी सी काम करेंगे, अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद। We'll be right back.